18 फरवरी 2020 से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और इस परीक्षा में परीक्षार्थी नकल कैसे करें इस बारे में मैं वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। इस बार कुल 56 लाख परीक्षार्थी परीक्षा में भाग ले रहे हैं। 35 लाख के लगभग परीक्षार्थी हैं हाई स्कूल की परीक्षा में और 20 लाख के लगभग हैं इंटरमीडिएट में। 7,000 से ज़्यादा या ये कहें कि लगभग 8,000 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और इस बार कुछ नया किया गया है नकल को रोकने के लिए, क्योंकि नकल माफिया यूपी में कुछ ज़्यादा ही प्रभावशाली हो रहे थे। नकल का शिकंजा बढ़ता ही जा रहा था, बल्कि ये कहिए कि नकल का प्रभाव बढ़ता जा रहा था और इस नकल के ऊपर शिकंजा लगाने के लिए शासन प्रशासन ने क्या कुछ किया है। जैसे कि इस बार परीक्षा में आपको 4 रंग की उत्तर पुस्तिकाएं दी जाएंगी। उनके रंग होंगे गुलाबी, नीला, पीला और हरा। अभी तक एक ही रंग की कापियां दी जाती रही हैं, जिससे कापियों की अदला बदली बहुत आसान होती थी। कभी कभी कापियों का जो मुखपृष्ठ होता था उसको बदल दिया जाता था, लेकिन अब यह कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 4 अलग अलग रंगों की उत्तर पुस्तिकाएँ होंगी। इसके अलावा नकल कराने का जो सबसे आसान तरीका होता था, क्लासरूम में जो लोग गाड़ी के लिए लगते थे, इन्विजिलेटर के रूप में लगते थे, जिनकी जिम्मेदारी हुआ करती थी कि वे परीक्षा में नकल ना होने दें, प्रायः वे ही आंसर को बोलकर लिखवा दिया करते थे या फिर बोर्ड पर आंसर को लिख दिया जाता था। पर अब इस बार सभी परीक्षा केंद्रों पे सीसीटीवी की सुविधा पहुंचा दी गई है। हर परीक्षा केंद्र सीसीटीवी कैमरे से लैस होगा और ये जो वीडियो बनेगी उसका लाइव वेब टेलीकास्ट होगा, क्योंकि हर ज़िले में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम से बैठकर वहां के कर्मचारी जिले के हर परीक्षा केंद्र पर नज़र रख सकेंगे कि इस परीक्षा केंद्र के किस रूम में क्या कुछ हो रहा है, वे लाइव वेब टेलीकास्ट के द्वारा जान सकेंगे। और साथ ही साथ ये जो टेलीकास्टिंग होगी उसमें सिर्फ वीडियो टेलीकास्ट नहीं होगा बल्कि वॉइस भी टेलीकास्ट होगा। ऐसे में बोर्ड पर लिख पाना या बोलकर आंसर लिखवा पाना भी संभव नहीं रह गया है। और इन सब की मॉनिटरिंग किया जाएगा शासन स्तर के कंट्रोल रूम में जो लखनऊ में होगा। वहाँ बैठे कर्मचारी अधिकारी बैठे बैठे ज़िले के कंट्रोल रूम से संपर्क कर सकेंगे और वहाँ से फिर ज़िले के किसी भी परीक्षा केंद्र पर नज़र रख सकेंगे। और करीब 18 ज़िलों के करीब 2,500 परीक्षा केंद्रों को संवेदनशील बनाया गया है। इसमें जो प्रमुख ज़िले हैं वे हैं बलिया, बागपत और अलीगढ़। एक और कोई ज़िला है जिसको संवेदनशील बनाया गया है। इसके अलावा छात्रों की सुविधा के लिए एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है जो लखनऊ का है, जिसका नंबर है 2239198 और इसमें लखनऊ का कोड 0522 लगाना होगा। यह हेल्पलाइन नंबर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक चालू रहेगा। इस पर परीक्षार्थी किसी भी समय फ़ोन कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत का निवारण 24 घंटे के अंदर किया जाएगा। अब आते हैं इस बात पर कि परीक्षा में नकल कैसे करें। तो परीक्षा में नकल अगर आप करना चाहते हैं तो अपनी मेमोरी से ही कर सकते हैं। अगर सचमुच जितना बताया जा रहा है शासन प्रशासन के द्वारा वो चुस्त दुरुस्त तरीके से कार्य करेगा तो नकल कर पाना तो संभव होगा नहीं। हाँ, आपने जो कुछ याद किया है, पढ़ा है, वही आपके काम आएगा। अपने दिमाग से नकल कर सकते हैं। और ये जो चीज़ें बताई गई हैं, जो मैंने बताया, ये लोक चर्चा और समाचार पत्रों के आधार पे है। शासन प्रशासन की बातें जो मैंने कहीं, अब परीक्षा शुरू होते ही यह बात प्रमाणित हो जाएगा कि जितना दावा किया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, कितने हद तक परीक्षाओं में नकल को रोका जा सका या पूर्ववत नकल हो, जैसे पहले नकल हुआ करता था वैसे ही नकल हो रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।